अविनाश जी, मीडिया के हमारे मित्रों, आज लगभग पूरे देश का भ्रमण समाप्त करके मैं रांची में, और हम लोगों ने इसको प्लान ही इसी तरह किया था कि अभियान का अंत हम रांची से करेंगे, झारखंड से करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि 27 जून को मैंने अपना नामांकन दाखिल किया था विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में। अनेक हस्तियां उस दिन मेरे साथ थी विपक्ष की, और 28 जून से ही मैं निकल गया पूरे देश के भ्रमण पर, और वो इसलिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो इकलौता चुनाव है हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, जो पूरे देश का चुनाव है। आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, कोई खड़ा होता है तो एक निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होता है, लेकिन राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा होता है तो पूरे देश से एक तरह से खड़ा होता है। और इसीलिए हम लोग ने यह उचित समझा कि हम लोग जितने प्रदेश हैं वहां जाएं और दो कार्यक्रम वहां पर निश्चित रूप से करें। नंबर एक कि वहां पर जितने समर्थक विधायक हैं, अन्य साथी हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात की जाए, उनसे समर्थन मांगा जाए, और दूसरा कि हर जगह पत्रकार वार्ता की जाए, और जहां जहां मैं गया वहां वहां इसी प्रोग्राम के अनुसार मैं चला। आज रांची में हम इसका समापन कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि रांची की मीडिया इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, और मैं एक विशेष संदेश आज अंत में रांची की मीडिया के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद संविधान में सर्वोच्च पद है, लेकिन और हर 5 साल पर उसके चुनाव होते हैं। इस बार का चुनाव कुछ बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। मैंने स्वयं भी कल्पना नहीं की थी जब मुझे विपक्षी दलों ने अपना साझा उम्मीदवार बनाया और मैंने स्वीकार किया, तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि ये चुनाव जो है मेरे दृष्टिकोण से एक अभियान का, लेकिन वही हुआ। और जहां जहां मैं गया वहां पर मैंने जैसे कहा कि मीडिया के मित्रों से बातचीत हुई, और चारों तरफ एक संदेश जो हम देना चाहते थे वो गया, न केवल लोकल मीडिया में बल्कि देश की मीडिया में। संदेश क्या है? संदेश ये है कि हमारे देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जब हमने 29 तारीख को त्रिवेंद्रम से अपना कार्यक्रम शुरू किया तो उस दिन मैं ये नहीं कहने की स्थिति में था, इतना कह सकता था कि प्रजातंत्र चित्रित है, लेकिन प्रजातंत्र देश में समाप्त प्राय हो रहा है, ये मैं आज रांची में कह सकता हूं, त्रिवेंद्रम में 29 तारीख को नहीं कह सकता था। और जब मैं कहता हूं कि समाप्त प्राय हो गया तो मेरा अभिप्राय उन सरकारी पार्लियामेंट्री आदेशों से है जो कल परसों के बीच में पारित हुए।
अब सब अवगत है कि दो डेवलपमेंट हुआ, एक तो ये हुआ कि संसद में बोलते समय कौन कौन के से शब्द अनपार्लियामेंट्री माने जाएंगे इसकी एक सूची सबमिट कर दी, और वो कितना हास्यास्पद है वो आप भी उतने ही वाकिफ है जितने हम वाकिफ है। आप यहां पर खड़े होकर नहीं कर सकते हैं कि सरकार में कमी है, सरकार भ्रष्ट है, क्योंकि ये सब अनपार्लियामेंट्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि न केवल सत्ता पक्ष के लोग, वो तो पहले से करते आ ही रहे हैं, बल्कि जो विपक्ष के संसद सदस्य हैं उनसे भी यही उम्मीद की जाती है सरकार के द्वारा कि वो सरकार का स्तुतिगान करेंगे, सरकार की शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि जहां उन्होंने सरकार की शिकायत शुरू की तुरंत आसन से निर्देश आ जाएगा कि आपका ये शब्द अनपार्लियामेंट्री है, ये शब्द अनपार्लियामेंट्री है, और मान लीजिए कोई नारा प्रवाह हो रहा है और हर वाक्य में आप उसको टोकिए कि ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है, तो फिर वो बोल कैसे पाएगा, अपनी बात रख कैसे पाएगा। संसद के अंदर जो चर्चा हो रही है उस पर एक प्रकार का प्रतिबंध है, दूसरी बात संसद के बाहर, लेकिन संसद परिसर में आज तक यह अधिकार था राजनीतिक दलों का, यह अधिकार था संसद सदस्यों का कि वो आके बाहर विरोध करें। कई बार ऐसा हुआ कि हाउस में विरोध हुआ, और हाउस में विरोध होने के बाद जब हाउस अडजर्न हो गया, स्थगित हो गई कार्यवाही, तो तुरंत विपक्ष के लोग बाहर निकलते थे और पार्लियामेंट परिसर में आकर अपना विरोध दर्ज कराते थे। महात्मा गांधी जी की जो विशाल प्रतिमा है उसके सामने बैठते थे, अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वहाँ बैठते थे, पत्रकार मित्रों से बातचीत करते थे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, पार्लियामेंट परिसर के भीतर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं बोल सकते। जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर देश का संसद, उस संसद का ये हाल हो गया। इसके पहले जो लोकशाही की संस्थाएं थी उसका एक एक करके इस प्रकार ह्रास हुआ, हम सब उससे वाकिफ हैं, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन आज लोकशाही का जो मंदिर है, प्रजातंत्र का जो मंदिर है, वो इस प्रकार खत्म हो गया। तो अब हम कैसे कहें कि प्रजातंत्र इस देश में बचा हुआ है? केवल 5 साल में एक वोट डालकर डाल जाकर डाल देना वो प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र को हर दिन जीवित रखना होता है। वो प्रजातंत्र कहां गया जिस प्रजातंत्र को हमारे संविधान के निर्माताओं ने, बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार की, कहां गया वो संविधान, कहां गया संविधान, कहां गए संविधान के वो मूल्य, कहां गया हमारा प्रजातंत्र। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव की लड़ाई इस बार हो रही है वो उससे व्यापक हो गए। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लड़ाई की अंत का अंत नहीं है, लड़ाई की शुरुआत है। देश भर में घूमकर मैंने जो एक भावना देखी है उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग बहुत उद्वेलित हैं, बहुत आहत है, बहुत दुखी है, अपने वो व्यक्त कर सके या ना व्यक्त कर सके, मीडिया के माध्यम से वो बात आगे बढ़े या ना बढ़ सके, लेकिन एक अजीब सा डर का वातावरण इस मुल्क में आज के दिन है, डर का वातावरण।
और मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं कि डरने वालों में एक आदमी को छोड़कर बाकी सब लोग चले गए। उनके जो नंबर दो आदमी है ना, जो देश के गृह मंत्री महोदय है, वो भी करे हुए, कैबिनेट के सब मिनिस्टर्स करे हुए, संसद सदस्य करे हुए, उनकी पार्टी के लोग करे हुए, आम जन बिजनेसमैन डरा हुआ, और जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह उनका दुरुपयोग हो रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना डर, कितना खौफ इस देश में फैल गया है। और इसलिए मैं फिर जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ वही खड़ा हो सकता है जो बिल्कुल बेदाग हो और जिसमें लड़ने की हिम्मत हो, बाकी सब लोगों को ये लोग दबा देंगे, चबा देंगे। और इसलिए ये राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे अपने सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं केवल एक बात आपसे कहूँगा कि आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं, पहचान की लड़ाई कि वो किस वक्त से आते, मैं किस वक्त से आता हूँ, ये उसकी लड़ाई नहीं है। ये बिल्कुल साफ तौर पर विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं, जिसमें मैं भी अपने को शामिल करता हूँ, जो चाहते हैं कि इस देश में लोकशाही बचे, इस देश का संविधान बचे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आमादा है उसको नष्ट करने में, उसको समाप्त करने में। इन वेरी स्टार्क टर्म्स दिस इज द बैटल, दिस इज द फाइट टू डे। थैंक यू।